searching is being carried on as per the standard operating procedure. I am not authorized to speak anything. The high level committee and its member will give you details once they come out. भगवान जगन्नाथ जी के ऊपर भरोसा करते हैं और भगवान के ऊपर आशा भी रखते हैं कि आज जो काम किया गया है राज्य सरकार की ओर से हो या मंदिर के प्रशासन की ओर हो, हम भगवान के पास भी इतना प्रार्थना करते हैं कि ये काम बढ़िया आराम से हो जाए और शांति श्रृंखला से हो जाए, किसी को कोई मुसीबत ना आए, कोई किसी निंदित ना हो या किसी को कोई आक्षेप ना करे, काम निपट जाए, वही आशा थी हमारी। 20 साल तक जो हम सरकार के पास गुहार लगा रहे थे, खुलना चाहिए खुलना चाहिए खुलना चाहिए, जो सरकार करने पास नहीं कर रहा था, आज भाजपा सरकार जो एक महीना के अंदर वादा किया था उसको निभा रहा है। चार द्वार खोलना हो या रत्न भंडार खोलना हो, उससे भगवान जगन्नाथ जी के पास वो काम करने के लिए व्यवस्था निर्माण किया गया है, वो काम आज शुरू हो रहा है। काम शुरू करने से पहले माता विमला जी की और महालक्ष्मी जी की, शंकर भगवान की पूजा करने के बाद में हम भगवान रत्न भंडार को चाबी लगाएंगे। अगर वो चाबी जो हमारे पास में सरकार के पास में है उसमें अगर काम नहीं निपटा तो चाबी को काट दिया जाएगा, उसके व्यवस्था भी किया गया है टीम को ला के। जैसे कि सुबह सुबह पूजा अर्चना की गई और लोग के साथ देखो उसको फॉलो करते हुए यहाँ सारे कार्यक्रम किए गए, क्या क्या पद्धति रही? देखिए, भारतीय संस्कृति तो ये कहता है कि जमीन को अगर फाड़ना है तो यज्ञ करना है, पेड़ को काटना है तो उसको यज्ञ करना है, रत्न भंडार खोलना तो उसके भी काम करना है। पहले हमें भगवान के पास में निर्धारित करते हैं, जो भगवान का हमको निर्देश देते हैं वही काम हम करते हैं। तो भगवान जगन्नाथ जी की जो रत्न भंडार है उसका मालिक लोकनाथ जी है और अंदर जो विराजमान माता विमला महालक्ष्मी है, उन दोनों घरवाली जगन्नाथ जी बड़ा बल्लभदेव जी की ओर से, शंकर की ओर से माँ सती विमला देवी है और जगन्नाथ जी ओर से महालक्ष्मी, तो ये तीनों के लिए हुए पावर को या तीनों के लिए हुए निर्देश के लेके रत्न भंडार को खोलने के लिए आज व्यवस्था किया गया है। प्रशासन की ओर से कुछ लोग हैं, कुछ पंडितों की में है, एक जो टीम बनाया गया उस टीम के माध्यम से पूजा भी हो रही है और रत्न भंडार खोलने के लिए व्यवस्था भी की जा रही है। प्राचीन आभूषण होने के अंदर संभावनाएं हैं, क्या क्या हो सकता है, क्या लगता है? वो बात तो हम आपको नहीं बता पाएंगे, बोले हम जो पम जानते हैं तो बताएंगे, जितना है उतना लोग देख रहे हैं, जो सालों भर तक भगवान के सोने की सिंगार हो रहा है, जो खुलने के बाद में मिलने वाला है वो 45 साल के नीचे खुला गया था,
आज तो खुला नहीं है और मेरी उम्र फिलहाल 50 हुआ है, तो 5 साल के अंदर में मुझे पता नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। देखिए वक्त को इसकी इंतजार था और आज इंतजार अंत हो रही है, वक्त उसके लिए इंतजार कर रहे हैं, रत्न मंडल कब खुलेगा और प्रशासन भी पक्का वादा किया है कि रत्न मंडल आज खुलेगा और सरकार को उसे विधि व्यवस्था में है कि रत्न मंडल खुलने वाले हैं। अजय जगन्नाथ, हम जगन्नाथ दर्शन के लिए आए हैं और इधर पता हुआ कि रत्न भंडागर खोलने वाला है और हम बहुत एक्साइटेड हैं। अंदर में कितना ये जो ट्रेजरी है, जैसे अनंत पद्मनाभ में पता हुआ कि बहुत सारा ट्रेजरी है, इधर भी ऐसे ही बहुत सारा ट्रेजरी होगा, वो सब अंदर में हिसाब कर रहे हैं। हमको कुछ जानकारी मिलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा हम सुन के, क्योंकि बहुत राजा गजपति महाराज इधर जो पालन किया है जगन्नाथपुरी को, बहुत सारा ट्रेजरी लाकर अंदर में रखा है। वो इतना ट्रेजरी है जैसे राम वेश होते थे उस समय बता रहा था, बहुत सारा ज्वेलरी इधर डेकोरेट कर रहा था और मैंने सुना था एक सोने का कारपेट उधर सिंह गर्भगृह से जहाँ जगन्नाथ विराजमान है उधर से एकदम सिंह द्वार तक ये सोने का कारपेट बिछाया जाता है। वो इतना सारा ट्रेजरी है वो सब अंदर रखा है, तो 100 साल से ये रामवेश भी बंद कर दिया क्योंकि इतना सारा ट्रेजरी को देखकर कुछ इन्वेडर्स आ सकते हैं, लेकिन अभी वो सब का हिसाब पता चलेगा हम लोग को। तो इसलिए मैं आंध्रा से आया हूँ इधर जगन्नाथ को दर्शन करने के लिए, रथ यात्रा देखने के लिए। रथ यात्रा देखा हूँ मैं और अभी कल बहुड़ा यात्रा भी हो रहे हैं, आज ये रत्न कारागर में ये जो रत्न भंडार में जो हो रहे हैं वो सब कैलकुलेशंस हो रहे हैं और वी आर सो एक्साइटेड टू नो व्हाट इज देयर इनसाइड। ये बलराम जी से ये रक्षा करते हैं, सब बलराम जी रक्षा करते हैं रत्न कारागर रत्न भंडार को। हम सब थोड़ा वेट करने से पता चलेगा कि अंदर जो गया है वो देखने के लिए, वो सब हमको बताएंगे क्या है अंदर में। वी आर सो एक्साइटेड। जय जगन्नाथ। लास्ट ईयर हमने इसी बात को लेकर, हमारा जो गजपति महाराज मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन है, हमने उनको इसके ऊपर लिखा था कि लास्ट ईयर जब हमें ये पता चला कि जो 2018 में रिपोर्ट में था कि रत्न भंडार का अंदर बहुत सारे वहाँ पर खराबी है जिसकी वजह से पानी सिपेज कर रहा था और प्लास्टर छूटा हुआ था, ऐसे सब बात सामने आया था और राष्ट्रपति हाईकोर्ट ऑर्डर ये एएसआई की तरफ से मंदिर मैनेजिंग कमेटी को लिखा गया था कि हमें जल्दी से जल्दी हैंडओवर कीजिए, रिपेयर करना बहुत ज़रूरी था। तो इसी को लेकर हमने ये हमारा ऑनरेबल चेयरमैन जो है मंदिर जगन्नाथ कमेटी जो मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन, उनको मैंने लिखा था। तो उसके बाद एनी हाउ ये डिस्कशन हुआ और अभी तक जो इतने साल से हम लोग वेट कर रहे हैं कि कब ये रत्न भंडार खुलेगा, और बेसिकली जो लास्ट टाइम हमारा प्रेजेंट गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है और उसमें मेरा पूरा विश्वास है जो संभव हुआ, क्योंकि पहले तो संभव नहीं लगता था कि रत्न भंडार खुलेगा, ये खुलेगा, ये तो हम लोग भी बचपन से सुनते आ रहे थे। बट अभी हमने जो ऑनरेबल CNCR को भी ये लिखा था कि रत्न भंडार का जो मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है रिपेयरिंग पार्ट है, अभी वही रिपेयरिंग पार्ट ही सबसे ज़्यादा सरकार की तरफ से इम्पोर्टेंस दिया गया है और सरकार की तरफ से पूरा SOP तैयार किया गया है और जो रिटायर्ड ऑनरेबल जस्टिस को लेकर एक कमेटी है, कमेटी उसको ये कर रहे हैं कि आज वो रत्न भंडार खुलेगा और इतने सालों से जो लोगों का भक्त का जो सारा विश्व में जगन्नाथ जी के भक्त हैं जो दिन के लिए अपेक्षा कर रहे थे कि रत्न भंडार खुले, और मेनली हमारा जो ये था कि सब लोग का एक ही कंसर्न था कि रत्न भंडार का रिपेयरिंग पार्ट,
जो आज वो होने वाला है, जितना हमको पता है कि पहला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस वही है कि जो रत्न भंडार की रत्न है उसको निकाल के रत्न भंडार को रिपेयरिंग करना। एएसआई का टीम भी पूरा रेडी है उसके लिए काम करने के लिए, और ये जल्दी से जल्दी शुरुआत हो जाएगा और बेसिकली जो मेन रिपेयरिंग का पार्ट जो है वो काम होगा। जैसे कि रत्न भंडार आज खुलने वाला, अगर हम प्राचीन आभूषणों की बात करें तो क्या अनुमानित है, क्या क्या हो सकता है, क्या रत्न? नहीं देखिए, बहुत कुछ तो है, हम लोग तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि बहुत कुछ महाप्रभु जगन्नाथ जी का है, बट जो भी है मुझे जितना लगता है कि उसके ऊपर तो ज़्यादा आज कुछ नहीं होगा। आज मेन पार्ट होगा कि जो शिफ्टिंग पार्ट होगा, क्योंकि वो शिफ्टिंग होने के बाद ही दिखा जा सकता है कि क्या है क्या नहीं है। सरकार ने इसके लिए पूरा ठोस कदम उठाए हुए हैं, सरकार की तरफ से जितना हो सकता है उसका पूरा एकदम क्लियर मैप किया गया है कि कब क्या क्या होगा और किस तरीके से होगा, तो उसी एसओपी के हिसाब से काम होगा। और मुझे लगता है कि जो भी महाप्रभु के सामान है वो सब सुरक्षित रहेगा, उसके लिए कोई नहीं। अगर हम राजा महाराजा की बात करें, जिससे 78 ईयर्स पहले जब खुला था तो कुछ रिपोर्ट तैयार किया गया था क्या क्या आभूषण है, तो अभी की अगर हम बात करें? नहीं, ये तो देखिए, ये तो सरकार ही निष्पत लेंगे, गवर्नमेंट की तरफ से ये ऑलरेडी डिसीजन लिया गया है कि किस तरीके से इसका इन्वेंटरी होगा, किस ये से आधार से किया जाएगा, और जो 78 में जो हुआ था उसका लिस्ट और ये इसको देखकर सरकार इसके ऊपर पूरा एसओपी बनाए हुए हैं, तो उसी एसओपी को लेकर उसी हिसाब से देखा जाएगा कि अभी क्या क्या सामान है क्या नहीं है, वो तो खुलने के बाद ही पता चलेगा। नहीं, उम्मीद तो देखिए, जो महाप्रभु का जो भी सामान होगा वो सुरक्षित होगा, वो हम लोग का विश्वास है कि महाप्रभु का सामान महाप्रभु के पास सुरक्षित रहेगा। ऑब्वियसली भक्तों के पास तो खुशी का ये आएगा, क्योंकि ये देखिए जो इतना लॉन्ग डिस्टेंस हो गया ना, इसके अंदर लोगों में बहुत सारे उत्साह आ गया कि महाप्रभु जगन्नाथ जो सारा विश्व के भगवान है, उनकी जो रत्न भंडार है वो सुरक्षित नहीं था, तो उसी को लेकर ये नहीं खोल रहा था। क्योंकि देखिए 18 का रिपोर्ट में जो लिखा है, मैंने जो पहले से दिखाया था, कितना ये तरीके से लिखा है कि कितना खराब पड़ा हुआ है। तो आज इतने साल के बाद मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उड़ीसा सरकार को, जिनने इतना बड़ा ठोस कदम उठाया और ये करके दिखाने के लिए जा रहे हैं, जो आज तक नहीं हो पा रहा था, क्योंकि हम लोग वही सिर्फ सुन रहे थे खुलेगा खुलेगा, और मुझे पूरा विश्वास है ये जो कमेटी बना है, कमेटी 100% इसके ऊपर काम कर रही है और आज रत्न भंडार जरूर खुलेगा। के कल्याण करे, भारत के मंगल करे और जगत के मंगल करे, ऐसा भावना से आज मैं रत्न भंडार का सेवा करने के लिए जा रहा हूँ। रत्न भंडार का रक्षक है स्वयं लोकनाथ महाप्रभु, उनसे भी आज्ञा लेके आके फिर जगन्नाथ महाप्रभु से आज्ञा लेने के लिए जा रहा हूँ, और जगन्नाथ महाप्रभु आज्ञा देने के बाद हम हमारा सेवा करेंगे और प्रभु उनका काम उनका सेवाद के हाथ में सर्वेंट के हाथ में करेंगे, हम सेवक और सर्वेंट के हिसाब से सब कुछ करेंगे, ऐसा ही प्रभु के पास प्रार्थना। जय जगन्नाथ। जैसे इतना बड़ा भंडार खुलता है, जरूर कुछ ना कुछ एसओपी होना चाहिए, इसके लिए कैसे पूजा पद्धति कैसे ठीक होगा, कैसे होची इसका होची मैनेजमेंट ठीक होगा, इसीलिए एक सुंदर एसओपी बना हुआ है।
इसको लेके हम मानेंगे और काम भी करेंगे। जय जगन्नाथ। क्या समय क्या होगा सर, समय क्या होगा? इसका व्यवस्था हमारा शुभ मुहूर्त निकला है 1:28 में, शुभ मुहूर्त निकला है, इसको हिसाब करके हम जाएंगे। भीतर अंदर में सब कुछ तैयार है, हम भी प्रभु के पास समर्पित है, प्रभु उनका काम जरूर करेंगे, ऐसा प्रभु के पास प्रार्थना। लोकनाथ महाप्रभु और जगन्नाथ प्रभु, महाप्रभु जगन्नाथ के मंगल करे, सभी के मंगल करे, ऐसा ही आज प्रभु के पास प्रार्थना सबका। जय जगन्नाथ।